हमको लीजिए, हमको वीडियो में हमको आप ही की ले रहे हैं। मैंने कहा 21 से ज्यादा साथी बधाई दो वाला कार्ड ना करो। कुछ बताओ, एंट्री जहाँ से होती है वहाँ पे है। सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। भव्य माता छोरिया माता मंदिर का आज शादी, दूल्हे राजा जा रहे हैं हमारे मिलवा को लेकर। यहाँ पर हर साल शादी कराई जाती है और ये दहेज रखा है भैया। आइए आपको दहेज, आप परम कात्र हमारे भी नाम लिखवा दो। अरे बताए दहेज दिखा दे आपको, चलो दहेज दिखाते हैं आपको, कर दीजिएगा भैया। जी जी बिल्कुल, हर बार यहाँ पे 22 इंची साइकिल दी जाती थी लेकिन इस बार अच्छा जुगाड़ किया गया है। ये देखिए सबको रेंजर साइकिल दी जा रही है और वीडियो बनाई साइकिल सही सभी को रेंजर साइकिल दी जाएगी। आगे आइए और दिखाते हैं, एक एक बक्सा दिया जाएगा। हाँ। गैस चूल्हा बाल्टी और आपका टंकी है, हर एक चीज दी जाती है। लेकिन यार शादी तो 21 लोगों की हो रही ना, 21-51 जितनी हो जाए, जितने लोग रजिस्ट्रेशन करा पाए। हाँ तो साइकिलें तो बहुत हैं। हमने कहा 21 से ज्यादा शादी, रजिस्ट्रेशन अगली बार करना, अगली बार आप रजिस्ट्रेशन। आज शायद 41 ऐसे कुछ है, सब कुछ पता नहीं। हाँ 41। चलिए और दिखा लाइए आप। दहेज की रक्षा में पूरी आर्मी लगा देते हैं हम लोग। जी जी, जैसे इंडिया से लोग आके यहाँ पे ले ना जाते हैं, मशीन सिलाई मशीन भी दी जाती है। सिलाई मशीन है, कुकर है। आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप आके यहाँ लल्ला बाबा जी से मिलिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और अगले साल कहाँ पे स्थान क्या है? छोरिया माता मंदिर चिन्हट में लगता है। यादव जी का नंबर कॉल कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। बिल्कुल पूरी फ्री सेवा भैया, 1 रुपया नहीं लिया जाता माता जी। आपका नंबर टाइम लाइन पे मिलेगा, जरूर नंबर नोट करें। जरूर मिलेगा, जरूर। तो हमारे परम मित्र की शादी करानी है, सामने विवाह जो होगा योगदान इनका रहेगा। अगले 21 विवाहों में एक विवाह इनका भी होगा। मैं मंदिर लेकिन परम का तो प्रेम से शादी ना, अगर टीटी करना चाहेगा लड़की तुम्हारे साथ ही करेंगे यार, हम तुम्हारे साथ करेंगे। कौन है ये लोग? बधाई दो वाला कार्ड ना करो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो ये बहुत ही प्यार से बता रहे हैं कि चोरों की स्टाइल क्या होती है। अब इसका क्या मतलब है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। यहाँ पे प्रसाद तैयार होता दिखने, जैसे कि आपको यहाँ सब्जी बन रही है, पूड़ी वहाँ बनी जा रही है, लगातार लगे हुए हैं। इस बार शायद 14 भट्टियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं। यहाँ सब्जी तैयार करिए, हमारे अंकित भाई हैं, ये अंकित भाई हैं, यहाँ पे सब्जी बनाते हैं। सारा लेखा जोखा इन्हीं के हाथ में है यहाँ के। अंकित विश्वकर्मा, किसी को भंडारा का प्रसाद तैयार कराना हो अंकित भाई से संपर्क करें, इनका नंबर भी डाल देंगे हमारे नंबर के नीचे। जी जी बिल्कुल, नीचे का आगे डाल दिया जाए, आगे डाल दिया जाए। दसियों हजार से ज्यादा आदमी प्रांगण में बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। सब्जी मिली है, पूरी का इंतजाम करवाएंगे। अभी हम पूरी का इंतजाम कराएंगे, यहाँ सबको मिलता है, ये नहीं कि आप बैठे हैं। कराइए ना, मजा आया। गरम गरम पूड़ियाँ हैं ये माता दरबार की। नंबर पूड़ी बांटने के लिए लिंक मैंने, हाथ जोड़ो फिर से, हाथ जोड़ो। नंबर टाइम लाइन पे दिया जाएगा, पूड़ी लेने के लिए संपर्क करें। प्रसाद जो भी चाहिए ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए संपर्क करें। लो अभी से, अबे ठंडी पूड़ी रहा ये वाली भाई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा था यहाँ पर, लिखा सब कुछ, लेकिन प्रसाद के अलावा कुछ नहीं है। सुनो कहीं तो वीडियो में ले लें, फ्री दही ला दे। कौन सा झूला झूलियो? इसी बगल में है ट्रेन वाला, वो भी झूलेंगे।
प्रेम मामा का सब खर्चा करा देना। प्रेम मामा भिखारी हो जाएंगे कल पर, तो तनख्वाही इनकी वो फिर ये करता जाएगा। प्रेम हम जिंदा वापस आएगा, बहुत बड़ी बात। अरे ये झूले लगे हुए हैं हमारे पीछे, वो ब्रेक डांस लगा हुआ है, ये गाड़ी वाला झूला ये बंद पड़ा हुआ है, बच्चों नहीं आया छोटे छोटे, ये बच्चों के लिए झूला है, वो बड़ों के लिए नाव झूला लगा हुआ है, वो बड़ा वाला झूला लगा हुआ है, बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। आप बैठे जो आपको कैसा, हमको हमको लीजिए, हमको वीडियो में, हमको आप ही की ले रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मेले के बाद सफाई का ठेका वो हम लोग, पत्तल उठाने से लेकर सब कुछ हम लोग। फिर से तो यहाँ पे ऐसा सीन इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया एक बार बोल चुके थे और काफ़ी लंबा चौड़ा बोल चुके थे, बट इनके साथ ऐसा हुआ कि भाई कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी और ये अपना बोलते जा रहे थे, इसलिए थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही है और ये वीडियो फिर से रिशूट करी जा रही है। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेले में आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ एंट्री की, हमने देखा बड़की देवी का मंदिर, देखा अंदर गए, वहाँ देखा बहुत बड़ा भंडारा था, उस भंडारे में हम लोगों को प्रसाद खाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर एक जुगाड़ आया अभिषेक यादव ने पूरी व्यवस्था की, हमारा मित्र है, बड़ा भाई है, खाने की व्यवस्था की, हम लोगों ने बढ़िया से प्रसाद खाया, पल्लव बैठ कर आपने प्रसाद खाया, पल्लव बैठ कर आप जानते होंगे उसका सुख क्या होता है।